संस्कारों की परिभाषा के भी अब कई प्रकार हो गए। मोदी वाले संस्कार अलग और राहुल गांधी वाले संस्कार अलग। सबसे पहले आप देश को पहला प्रधानमंत्री देने वाले परिवार के संस्कार देख लीजिए। जिस परिवार में तीन तीन प्रधानमंत्री हुए, उसी परिवार के वारिस सीधे सीधे देश के ही प्रधानमंत्री को डंडों से पीटने की बात कहकर जनता को भड़का रहे हैं। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदुस्तान के युवा उसको ऐसा डंडा मारेंगे, हिंदुस्तान के युवा उसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। जुबान इस कदर बिगड़ी है, मगर कहीं हंगामा ना हुआ, मीडिया को इसमें कुछ गलत नजर नहीं आया। अब मोदी के लिए जो संस्कार तय किए गए हैं, उसकी झलक भी देख लीजिए। अनुराग ठाकुर ने देश के गद्दारों को गोली मारने का नारा लगाया। देश के गद्दारों को। किसी का नाम नहीं लिया, देश के गद्दारों के लिए ये बात कही और हर तरफ हंगामा बरप गया। मीडिया का कहर टूट पड़ा, उनके चुनाव प्रचार में जाने पर प्रतिबंध लग गया। ये कैसी रवायत है? ये कौन सा पैमाना है जो हर बार दोहरे मापदंड ले आता है? अब खुद को महाराज घोषित करने वाले परिवार के वारिस साहब से भी पूछ लेते हैं कि आखिर मोदी को डंडे क्यों मारेंगे आप? मोदी ने ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया इसलिए? मोदी ने 370 हटा दी इसलिए? या राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ कर दिया इसलिए? पाकिस्तान से आए हिंदू सिखों और पारसियों को गले से लगा लिया इसलिए? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया इसलिए? चीन को अपनी कूटनीति से पछाड़ दिया इसलिए? या फिर इसलिए क्योंकि महिलाओं को रसोई गैस दे दी, बेघरों को घर दे दिए, शौच के लिए इज्जत घर दे दिए, गरीबों को बैंक में खाते दे दिए, किसानों को मानधन दे दिया, युवाओं को मुद्रा लोन दे दिया, महिलाओं को मातृत्व योजना दे दी? अगर इसीलिए आप मोदी को डंडे से मारने की बात कह रहे हैं, तो महाराजा अधिराज, हमारी तरफ से आपको नमस्कार। और रही बात मोदी की, तो वो तो पहले ही आपको सूर्य नमस्कार कर चुके हैं। जिस प्रकार की गंदी गालियां सुन रहा हूं और अपने आप को गाली प्रूफ बना दिया है, 6 महीने ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा, ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा कि मेरी पीठ को भी हर डंडे झेलने की ताकत वाला बना दूंगा।